उन परिवारों को 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए दिया। क्या नेता सदन ये बताएंगे उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे उन परिवारों की, या भाई थोड़ा बहुत मदद कर दिए? इससे काम चलने वाला नहीं। कम से कम जितनी समाजवादी सरकार में मदद होती थी उससे ज्यादा मदद करने का काम ये सरकार करी। हालांकि इस सरकार का प्रिय जानवर सांड है, क्या ये मैं मान लूं बात? हमारे साथ बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी, पिछली बार भी हम लोगों ने सदन में यही बात रखी थी और एक लंबी सूची दी थी। हम उपाय बता देंगे एक मिनट, तो मैं बैठ जाऊं? अच्छा था, इनका उपाय जरूर सुन लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। आखिरी अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से गरीब से जुड़ा हुआ मसला है और जो लोग सड़क से चल रहे उनके लिए डेंजरस है ये। कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से टकराई थी जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। सोचिए अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से, अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमरीका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमरीका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं? आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो, किसने रोका है आपको? और क्या सांड सफारी बनाए, हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाइगर सफारी बना रहे हैं, लाइन सफारी बना रहे हैं। इनको ये अच्छी नहीं लग रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात डाइवर्ट होती जा रही है। लाइन सफारी और एनिमल सफारी जो इटावा में बनी वो हमारे लिए नहीं बनी थी, कभी फिशर्स फॉरेस्ट ब्रिटिश टाइम का था, वो उस जगह को इस्तेमाल किया और वर्ल्ड मैप पर कैसे आ जाए उत्तर प्रदेश? इटावा उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। जब आपका शेर वहां रह सकता है, क्या आपका शेर वहां नहीं रहा था जो गोरखपुर गया? किसने खिलाया खाना वहां पर? तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड मैप पे खड़ा कर दे उसको खत्म कर रहे हैं आप लोग। दुर्दशा कर दी उसकी आपने। अभी वहां पर पूरे प्रशासन को पता था कि शेरनी गर्भवती है। बरेली के IBRI ने रिपोर्ट दी कि प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं रखा उसका। तो अखिलेश यादव को आपने यहां पर देखा, यूपी विधानसभा में वो अपनी बात रख रहे थे और वहां की सरकार को उन्होंने घेरा। वहां के जो मुद्दे हैं पशुओं को लेकर जिसकी वजह से हादसे हो जाते हैं और महंगाई को लेकर, वो वहां की जो सरकार है उस पर निशाना साध रहे हैं। ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होता है।